यह एक पैराग्राफ है, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए है जो बच्ची है जो बारे में घर के बारे में बता रही है, तो चलो हम जानते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के कि यह क्या बताना चाहती है। आज मैं अपने घर के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा घर छोटा है, यह मेरे स्कूल के पास है जिसमें 3 कमरे हैं। हमारे पास बाथरूम और किचन है। अच्छे अच्छे पेड़ों और फूलों वाला एक छोटा सा बगीचा है। मेरे घर में सफेद पिल्ला है। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। तो चलो अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। यदि इस पैराग्राफ का हमें नाम देना हो तो ऑब्वियसली हम माय हाउस मेरा घर ही देंगे। आज मैं अपने घर के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं अपने घर के बारे में बताने जा रही हूँ। टुडे मतलब आज, अपने घर मतलब माय हाउस, और बताना मतलब टेलिंग, किसके बारे में मतलब अबाउट। तो कहेंगे टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट माय हाउस। टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट माय हाउस। मेरा घर छोटा है। मेरा मतलब माय, घर मतलब हाउस, छोटा मतलब स्मॉल और इज मतलब है। तो हम कहेंगे मेरा घर छोटा है। माय हाउस इज स्मॉल। माय हाउस इज स्मॉल। यह मेरे स्कूल के पास है। पास मतलब नियर। यह मतलब उसका घर, इसलिए हम यहाँ पे इट यूज करेंगे। इट इज नियर माय स्कूल। इट इज नियर माय स्कूल, जिसमें 3 कमरे हैं। हैविंग 3 रूम्स, हैविंग 3 रूम्स। हमारे पास बाथरूम और किचन है। जब हमें कुछ अपने पास होने के सेंस में बताना होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हमारे पास मतलब कि वी, इसलिए हैव अ बाथरूम एंड किचन। वी हैव अ बाथरूम एंड किचन। अच्छे अच्छे पेड़ों और फूलों वाला एक छोटा सा बगीचा है। देयर इज अ स्मॉल गार्डन विथ नाइस ट्रीज एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल और ट्रीज मतलब पेड़ों। नाइस मतलब अच्छे। देयर इज अ स्मॉल गार्डन विथ नाइस ट्रीज एंड फ्लावर्स। मेरे घर में सफेद पिल्ला है। आई हैव, यहाँ भी अपने पास कुछ होने के सेंस है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। आई हैव व्हाइट पपी इन माई हाउस। आई हैव व्हाइट पपी इन माई हाउस। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। आई लव माई हाउस सो मच। आई लव माई हाउस सो मच।